नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर या इनके कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे और वो एलिगेशन कुछ लमसम इस तरीके से थे कि अदानी की कंपनी के जितने वैल्यू है उसे कहीं अधिक दिखाया गया है और जो इनके शेयर्स के प्राइस भी है उसको भी काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जो कि मार्केट के नियम के सख्त खिलाफ। और जब ये हिंडनबर्ग के द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है पिछले साल, तो मार्केट में एक हड़कंप सा मच जाता है, जिसके बाद अदानी और इनकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। और ठीक हिंडनबर्ग के द्वारा बीते रोज यानी कि 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाता है, जहां पे ये बताया जाता है कि जो सेबी की चीफ है उनके और उनके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा जो स्टेक है वो अदानी की कंपनी में है। और इसीलिए जो पिछले साल हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था उसके ऊपर उस तरीके से कार्रवाई नहीं किया गया था जिस तरीके से करना चाहिए था। अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं कि आखिर में सेबी क्या है, हिंडनबर्ग क्या है और किस तरीके से ये सारी चीज आपस में कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से रह के चीजों को समझें और देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये हिंडनबर्ग है क्या। तो ये हमारे सामने हिंडनबर्ग रिसर्च का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जहां पे ये बताया गया है कि जो सेबी के चेयरमैन है या चीफ है उनका और उनके हस्बैंड का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है अदानी की कंपनी में। और कंपनी भी ऑफशोर कंपनी है, यानी कि वैसे कंपनी जो भारत में या भारत से ऑपरेट नहीं करती है, जो कि किसी और देश से ऑपरेट करती है। और उन सब कंपनीज का जो रोल है वो अदानी के पैसे को आगे पीछे करने का है, जिससे कि कुछ हद तक या बहुत हद तक टैक्स को बचाया जाए। तो अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च के वेबसाइट को अगर हम खंगालते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि इस कंपनी में कितने लोग लिस्टेड हैं, कितने लोग लिस्टेड नहीं हैं, ये कंपनी को फंड कौन करता है, कहाँ से करता है, बस हमें एक बहुत ही लमसम तरीके से मालूम है कि इस कंपनी को 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था और जो एस्टैब्लिश करने वाले का नाम है वो भी सिर्फ एक ही नाम है और वो है नेट एंडरसन। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर आप क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सामने ये bbc.com खुला हुआ है, अगर इसके हम बॉटम पे जाते हैं और अगर हम अबाउट द बीबीसी में क्लिक करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली बीबीसी है क्या या किस तरीके से किस और ऑर्गेनाइजेशन से ये कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सामने एक डिटेल्स अवेलेबल है जिसको कि हम एक्सेस करके हम ये जान सकें कि एग्जैक्टली bbc.com है क्या और कौन इसमें इन्वेस्ट करता है। इनका नाम है महादीप पुरी और इनके हस्बैंड का नाम है धवल। और महादीप पुरी अभी सेबी के चीफ है, यानी कि ये सेबी को लीड कर रही है। और जहां तक बात किया जाए महादीप पुरी के बारे में, तो ये 1989 में ICICI बैंक को ज्वाइन करती है और उसके बाद ये अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर चुके हैं और इनका जो पोजीशन था वो भी काफी डिसीजन मेकिंग और हाई रैंकिंग पोजीशन था। और 2017 में ये सेबी को ज्वाइन करती है और 2022 में इनको सेबी का चीफ बना दिया जाता है, यानी कि इनको सेबी का हेड बना दिया जाता है। अब बात करें कि आखिर में सेबी क्या होता है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हर चीज को ऑपरेट करने का कोई एक नियम कानून होना चाहिए और उसका एक गवर्निंग बॉडी भी होना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं या सुनते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने किसी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, तो जब कोई कंपनी आपने आपको स्टॉक एक्सचेंज में जब रजिस्टर करते हैं तो वो अपने शेयर्स को रिलीज करते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स को खरीदें। तो कितनी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे कंपनीज अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे और किसी भी तरीके से अगर उनका पैसा डूब जाता है तो इससे मार्केट का रेपुटेशन काफी खराब होता है। एज ए रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक डर बना रहता है कि कहीं उनका पैसा सेफ रहेगा भी या नहीं। सो किसी भी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में या किसी भी तरीके से कोई कंपनी अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करे, तो उन्हीं सब चीजों को देखने और बैलेंस करने के लिए सेबी को बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही लमसम डेफिनेशन है सेबी के बारे में। तो जब पिछले साल हिंडनबर्ग के द्वारा
द्वारा जनवरी के महीने में ये बताया गया था कि अदानी अपने कंपनी का जो वैल्यू है उसको काफी ओवर प्राइस करके दिखाए हैं और इनके जो शेयर्स का भी जो कीमत है वो भी काफी ऊपर है, जो कि ये सब करना कंप्लीट तरीके से एथिक्स के खिलाफ है। तो जब पिछले साल ये सब रिपोर्ट पब्लिश हुआ था तो सरकार की भी काफी किरकिरी हुई थी और उसके बाद अदानी का भी पर्सनली काफी नुकसान हुआ था। तो उस वक्त सेबी ने क्या किया था कि इन्वेस्टिगेशन बैठाया था ये जांच करने के लिए कि क्या अदानी अपने जो कंपनी का वैल्यू है या जो शेयर्स है उसको सच में बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ये हुआ था कि अदानी की कंपनी को कंप्लीट तरीके से क्लीन चिट मिल गया था। उसी के रिगार्डिंग इस बार हिंडनबर्ग के द्वारा ये क्लेम किया गया है, जहां पे ये बताया गया है कि सेबी की चीफ यानी कि महादबी और इनके जो हस्बैंड है इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी की कंपनी में है। तो इसीलिए जब पिछले साल इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था जिस तरीके से उम्मीद था या किया जाना चाहिए था। जब भी हम इस तरीके का न्यूज को पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं तो एक चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हम कभी भी किसी एक डॉक्यूमेंट को रेफर ना करें और कभी भी किसी एक रिपोर्ट को पढ़ के हम ये ना माने कि जो उस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है वही सच है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ सालों में अदानी एज एन कंपनी का ग्रोथ काफी मैसिव तरीके से हुआ है और ना कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ भारत में है बल्कि और भी दुनिया के अलग अलग देशों में है। चाहे आप इसराइल की बात कर ले, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर ले, या आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, या बहुत हद तक अदानी की जो कंपनी है वो डिफेंस में भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपके देश की कोई कंपनी इतना ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं उन सब देशों के नजर में भी आ जाते हैं जो देश किसी भी तरीके से आपका डेवलपमेंट नहीं देखना चाहता है। सो यहाँ पे पर्सनली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है ये सही है या गलत है, लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी है मैं उसके तरफ एक रेफरेंस दे रहा हूं। और जहां तक बात किया जाए हिंडनबर्ग के बारे में तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है और हमारे बीच जितने भी लोग हैं जिनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में अच्छी समझ है उनको ये बात पता है कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा भी रन किया जाता है जहां पे सामने वाले को इतना ज्यादा बुरा दिखाया जाता है कि एक कंप्लीट तरीके से मोमेंटम को बिल्ड किया जाता है जिसके कारण सामने वाले कंपनी को नुकसान होता है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ये ऑलमोस्ट सभी मीडिया हाउस इसको दिखा रहे हैं और जो कि उम्मीद था कि ऑपोजिशन वाले इसमें कूदेंगे और इसके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे एग्जैक्टली वही हो रहा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हो सकता है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सही है या ये भी हो सकता है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बस एक प्रोपेगेंडा है। जो बॉटम लाइन कहने का है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें और हम बेसलेस क्रिटिसिज्म करने से बचें। उसके बाद दूसरी रियलिटी ये भी होती है कि किसी भी देश में जो वहां के पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये सरकार की मजबूरी बनती है कि सरकार उनको सपोर्ट करें। चाहे आप भारत की बात कर ले, चाहे आप यूएस की बात कर ले, चाहे आप किसी भी और देश की बात कर ले। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे बीच ऐसे आइलैंड है जैसे कि केमन आइलैंड हो गया या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, ये सब जो एरियाज है या ये सब जो आइलैंड है ये सर्वाइव ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब आइलैंड में ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है और यहाँ की जो सरकार है वो चाहते हैं कि वैसे लोग आके इन सब आइलैंड्स में रहे जो अपने देश में किसी भी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करके बैठे हैं। और जहां तक बात किया जाए यूएस के बारे में तो यूएस भी अपने देश के अलग अलग कंपनीज को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है। चाहे आप बात कर ले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में या बात कर ले आप जो बाइडन के बारे में, तो इन सब के ऊपर मल्टीपल एलिगेशंस है फ्रॉड के या मनी लॉन्ड्रिंग के या किसी ना किसी तरीके का करप्शन का। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। अब क्योंकि हिंडनबर्ग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन या रिपोर्ट पब्लिश किया गया है तो कहीं ना कहीं माधवीपुरी जी को भी अपना सफाई देना था तो वो सफाई देती है, जहां पे वो ये कहती है कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में एलिगेशन लगाया है ये कंप्लीट तरीके से बेसलेस है और ये साथ में इनका रेपुटेशन को भी खराब करता है। और आगे बढ़ के ये भी कहती है कि ये किसी भी तरीके से इनका जो फाइनेंस है या इनके जो एसेट्स वगैरह है उसको ये समय दर समय सेबी के साथ डिस्क्लोज भी किए हैं और अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगा तब भी वो जाके शेयर करेंगी। तो कहने का मतलब है कि ये सब मामला इतना सिंपल नहीं होता है जितना सिंपल हमें ऊपर से दिखता है। और जहां तक बात किया जाए ओपोजिशन लीडर्स के बारे में तो कोई भी ओपोजिशन पार्टी रहे अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस ओपोजिशन पार्टी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन जब वही ओपोजिशन पार्टी जब रूलिंग गवर्नमेंट में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके पास हार्डली किसी चीज का सोल्यूशन होता है। सो अगर हम इस चीज को बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि पिछले साल जो हिंडनबर्ग के द्वारा एलिगेशन लगाया गया था अदानी की कंपनी के ऊपर, जहां पे ये बताया गया था कि उनकी कंपनी अपने आप को अधिक बढ़ा चढ़ा के दिखा रही यानी कि ओवर वैल्यू
एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो उस चीज के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन था सेबी उसको अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेबी की चीफ है महादीप पुरी और इनके हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट है अदानी की उस कंपनी में जो भारत से ऑपरेट करके ना किसी और देश से ऑपरेट करती है। तो एग्जैक्टली यही एलिगेशन है, और इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है वो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।